ये देखो अपने का ट्रेन आ गई है, थोड़ा उल्टी आ रही है बैक में, तो अपन लोग अभी इसमें चढ़ेंगे। मैं जाऊंगा, पापा नहीं जाएंगे। इतनी भीड़ है यार, चपुआ एकदम हालत ख़राब हो चुकी है यार। तो आप लोग आके देखिए, इसे मज़ा बहुत आएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आप में से बहुत लोग कह रहे थे संगम भाई अब ब्लॉग बनाया करो, लेकिन मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा था, जॉब भी करना था और इंस्टाग्राम के वीडियो पे भी मैं थोड़ा ध्यान देता था, तो इसलिए मुझे टाइम मिल नहीं पाता था। तो इसी बीच मुझे जाना है गाँव मेरे प्रतापगढ़, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ वो सफ़र शुरुआत की जाए और इसी में ये फर्स्ट ब्लॉग की शुरुआत भी अच्छी हो जाएगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छी चीज सीन दिखाऊँ, आप अच्छे से इन्जॉय करो। और जैसे कि टाइम भी काफ़ी हो गया है, 12 बज गए, आपको उल्टा दिख रहा होगा, इसमें मुझे सही दिख रहा है, तो चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। जैसा कि आप गाइस देख सकते हैं, मैं तैयार हो चुका हूँ और ये पीली शर्ट है, ब्लैक पैंट है, तो बस मुझे निकलना है। लेकिन अभी 2 ही बज रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ मैंने पैकिंग नहीं की है, मैंने अभी तक अपनी बैग की पैकिंग बिल्कुल नहीं की। हालांकि मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं ले जाऊँगा, 1-2 कपड़े ही ले जाऊँगा, मुझे 1 हफ्ते के लिए जाना है, तो मैं अभी पैकिंग करूँगा अपनी अभी। और उसके बाद मैं आपको बताना भूल गया, मैं नोएडा में रहता हूँ, ग्रेटर नोएडा में, और मैं यहाँ से दिल्ली से ट्रेन पकड़ूँगा, तो वहाँ से आपसे बातें चीती होती रहेंगी, चलते हैं। हाँ तो गाइस, मैं घर से निकल चुका हूँ और चल रहे हैं अपने सफ़र पे। दिल्ली जाना है मुझे, अभी काफ़ी दूर है और टाइम भी करीब 3:30 के आसपास हो रहा है, तो चलते हैं। फाइनली हम लोग बस पे बैठ गए हैं, अब जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। तो हम लोग बस उतर आए हैं और बस जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली से मुझे ट्रेन पकड़नी है, तो चलते हैं। तो हम पहुंच गए हैं मेट्रो स्टेशन। मुझे ये समझ नहीं आई, अजीब प्राणी तो थे, भागा क्यों आखिर, क्या बात है? आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना। काफी खाली खाली से है मेट्रो स्टेशन, तो अभी हम लोग जाएंगे, टिकट लेंगे या कार्ड होगा उससे करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं पापा, चलते हैं, लेट्स गो स्टार्ट। फाइनली हम लोगों की मेट्रो आ गई है, चलेंगे इसमें। मैं ढंग से शूट नहीं कर पाया, अंदर का लोग मुझे देख रहे थे बहुत ध्यान से, लेकिन आप बाहर का स्क्रीन देख लो अच्छा बात है। हम लोग मेट्रो से उतर गए हैं, दूसरी मेट्रो में चढ़ेंगे, यहीं से देखते हैं आगे क्या होता है। ये आ गए हम चांदनी चौक। फाइनली हम लोग चांदनी चौक मार्केट पहुंच गए हैं,
गाइस, हम लोग आ चुके हैं चांदनी चौक मार्केट में, जैसे कि आपको सीन दिखाया है। और हम आगे ही आपको सीन मिलते रहूँगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, घूम टहल के। बहुत दिन बाद मैं मेट्रो में घूमा। पापा थोड़ा फ्रेश होने गए हैं, उन्हें आपको दिखाता मैं। तो अपन लोग अभी आए हैं रबड़ी फालूदा खाने। क्या बात है भाई, मतलब है तो लाजवाब। काश फिर हमने घर के लिए कुछ मिठाइयाँ ली, जैसे कि आप देख रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं गाइस, मैं स्टेशन पहुंच गया हूं, नई दिल्ली जंक्शन। आप लोगों को उल्टा दिख रहा होगा, काफ़ी मैं परेशान हूँ, थक गया काफ़ी, और अच्छा भी लग रहा है। तो मैं गाजियाबाद से भी आ सकता था, वैसे मैं पुरानी दिल्ली से आया हूँ, नोएडा से पुरानी दिल्ली, गाजियाबाद से भी आ सकता था, लेकिन मैं आया नहीं। यहाँ से भी ठीक है, बेटर है। मुझे कुछ काम भी था चांदनी चौक में, तो मैं यहीं से चला आया। ट्रेन आने वाली है, देखते हैं, उसको इंतजार करते हैं। थोड़ा पहले पहुँच गए हैं, तो उसके बाद आपको देखना चाहिए। ठीक, तो ये देखो अपने गाय, ट्रेन आ गई है, थोड़ा उल्टी आ रही है बैक में, तो अपन लोग अभी इसमें चढ़ेंगे। मैं जाऊंगा, पापा नहीं जाएंगे, तो भाई भीड़ काफ़ी हो रही है भाई। फाइनली मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ, लेकिन बहुत खतरनाक वाली भीड़ है भाई, देख सकते हो आप लोग, एकदम चहर। इसी तरह मैं बैठा हूँ, ढंग से सूट भी नहीं कर रहा बाहर, देखते हैं आगे क्या होता है। गुड मॉर्निंग गाइस, इसी तरह रात बीती, मैं बहुत थक चुका हूँ, देख सकते हो अभी भी इतनी भीड़, मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या बात बताएं। चलो एंजॉय करिए आप भी, हम भी। जो एक गांव की बात होती है ना, खेत खलिहान, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। इतना अच्छा व्यू होता है ना, देखने के बाद मज़ा आ जाता है। कहा माँ का ये मेरी बेला देवी का पुल है। फाइनली मैं अपने प्रतापगढ़ पहुंच गया हूं, स्टेशन आने वाला है।
गुड मॉर्निंग गाइस, जैसा कि आप सबने देखा मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और मैंने सूट भी नहीं कर पाया ढंग से क्योंकि भीड़ काफ़ी थी। रात में सोया भी नहीं था, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया और यहाँ तक बने रहने की बहुत बहुत शुक्रिया आपने वीडियो देखा। और आगे मैं आपको ऐसा वीडियो लाते रहूँगा ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करना कैसा है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए कि मुझे चाहिए। थैंक यू, गुड बाय। थैंक यू। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौंडे दिख जाना चाहिए। थैंक्स, लव यू forever.